टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, इस समय मौजूद है मुमरा के चूहा पुल खाड़ी पर और आपको ये भी दिखा दें कि जिस तरह से अरबाज को मुमरा कि इस चूहा पुल पे जो खाड़ी में जो छलांग लगाया और तभी से अब तक जिस तरह से उसे ढूंढने का यहाँ पर काम किया जा रहा है वो बेहद ही अफसोसजनक है, क्योंकि जिस तरह से उसे ढूंढने का काम यहाँ पर किया जा रहा है उस पर लगातार सवालिया निशान यहाँ पर उठ रहे हैं। और अब तक मुमरा शहर के यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, मुमरा पुलिस के लोग भी यहाँ पर आए, दमकल विभाग की टीम यहाँ पर आई, लेकिन अभी तक 3 दिन गुजर गया है, कहीं भी अरबाज का पता नहीं चल सका है। और आज यहाँ के जो एनसीपी के सैयद अली अशरफ भाई साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज सुबह जिस वक्त यहाँ पर टीडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई थी और मुमरा पुलिस की टीम थी, परिवार से कहा जा रहा था कि नाव का बंदोबस्त करो, यानी कि जो मुमरा की दमकल विभाग है उनके पास ना नाव है ना और कोई सिस्टम है, किसी तरह का कोई भी चीज़ यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। और यही वजह है कि 4 दिन गुजर गया है, अभी तक अरबाज का पता नहीं चल सका है। भाई साहब क्या कहेंगे आप, 3 दिन हो गया है, माफ़ कीजिएगा, 3 दिन हो गया है अरबाज को यहाँ पर डूबे हुए, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है और जिस तरह से आप खबरें भी देख रहे होंगे उससे ढूंढने का काम जिस तरह से किया जा रहा है इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से फायर ब्रिगेड ने लापरवाही बरती है ये सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी थाना महानगर पालिका है, उसका एक बड़ा बजट है और अपने पास 2 किलोमीटर की चौपाटी दे दी गई है, ये चूहा पुल है और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रभाग समिति के अंदर यहाँ पर नाव की व्यवस्था होना चाहिए। ऑलरेडी जब तेज़ बारिश होती है, बारिश के दिनों में तो आपने देखा होगा एमएम वैली की तरफ पानी भरता है, बोट आती है, तो अगर उस वक्त, जहाँ तक मेरे को जो ये बच्चे लोग बता रहे हैं कि अगर उस वक्त फायर ब्रिगेड के लोग जब यहाँ पहुँचे थे, अगर उस वक्त नाव होती थी तो बच्चे की बॉडी यहाँ मिल जाती, बच सकता था। लेकिन अभी एनडीआरएफ की टीम इनकी गायब है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। यहाँ के कोली लोग, यहाँ के ये बच्चे, यही लोग गाड़ियाँ लेके और बोट लेके अंदर उतर के जाके आ रहे हो, चेतना दीक्षित और ये लोग कोशिश कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से थाना कमिश्नर साहब को ये आगाह करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी चौपाटी आप देने के बाद और इतना बड़ा ये सिटी से मिला जुला ये खाड़ी का पट्टा है जिसमें बच्चे कभी न कभी आएंगे, ज़रूर एक्सीडेंट होगा ज़रूर, तो आप जो है यहाँ के ऊपर पूरे पूरे बंदोबस्त रखिए, यहाँ पे एनडीआरएफ की एक टीम रखना चाहिए। पर बात भाई साहब कुछ भी नहीं है, दमकल विभाग के लोग कहते हैं गोताखोर है, नहीं हमको आगे बोलना पड़ेगा इसके लिए, और उनके पास ना कोई नाव है, एक तरफ यहाँ मुमरा में एक तरफ पहाड़ी है दूसरी तरफ खाड़ी है, जैसे में दमकल विभाग के पास नाव होना जरूरी नहीं है क्या? और हम बिल्कुल है इनके पास, जिस तरीके से नवी मुंबई के अंदर अगर ब्रिज के ऊपर से कोई कूदता है तुरंत वहाँ का फायर ब्रिगेड जो है एक्टिव हो जाता है, उनके पास नाव वगैरह मोटर्स और इतना बहाव रहता है फिर भी उसे बचाया जाता है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पानी का बहाव है, नहीं जाएंगे, उतर नहीं सकते, खड़े रहेंगे, और जब पानी उतर जाता है तो बोलते हैं हमारी नाव चलेगी नहीं, बोट चलेगी नहीं। 3 दिन से यही जो है खेल लुका छिपी का हो रहा है। ये अपने फायर ब्रिगेड की क्या नाम है नाकामी है, हमारी महानगर पालिका की नाकामी की एक बच्चा 3 दिन से गायब है। सोशल वर्कर्स जो पानी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं, लेकिन मैं सवेरे भी यहाँ आया था, शाम में भी आया था, सवेरे उसके फादर से भी मिला, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक कोई सरकारी आदमी मैंने नहीं देखा। पुलिस आती है अपनी जगह राउंड मारती है चले जाते, मैं तो ये बोलता ये ब्रिज भी तोड़ दो जल्दी से जल्दी, और नहीं तो यहाँ पे भी कोई बड़ा हादसा होगा। अगर इसी एक गरीब परिवार का ये लड़का है, अगर किसी प्यार के चक्कर में कोई अमीर घर का अगर लड़का ये कूदा होता आज तो क्या स्थिति यहाँ पर रहती, कितने बोट, कितने नाव, कितने गोताखोर यहाँ पर होते। लेकिन मुमरा शहर में इतने नेता हैं, कोई यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई यहाँ देख नहीं रहा, आप आए हैं आज। देखिए ऐसा है कि इंसानियत ये कहती है कि अगर हमारे शहर का कोई बच्चा इस तरीके के हादसा हुए हम सबको मिल के काम करना चाहिए। इसमें टोटल प्रशासन फेल हो गया और बिल्कुल लापरवाही बरती गई, और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसको जल्दी से तेज़ी से इसको काम किया जाए और वो बच्चे की बॉडी को बरामद किया जाए।
लेकिन भाई साहब कैसे करेंगे, आते सुबह शाम को चले गए, कोई नहीं, चले गए प्राइवेट लोग ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं ढूंढ रहा है, आते खड़े रहते हैं, डिवाइडर पकड़ के खड़े रहते हैं। सुबह हमने भी कहा उनसे कि ढूंढिए, तो बोलते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, फॉर्म नहीं किया था फायर ब्रिगेड वाले लोग ने, कुछ है नहीं, मतलब क्या यानी सब बेकार है। मैं अभी जाके तुरंत के तुरंत महापौर से बात करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमको आप सुविधा दीजिए, और मुमरा प्रभाग समिति के अंदर इमरजेंसी के अंदर ये तैयारी रखिए कि आपके पास फायर ब्रिगेड के पास बोट होना चाहिए, स्पीड बोट होना चाहिए, ताकि ऐसे हादसात अगर वहाँ पे पुल है, यहाँ पुल है, चूहा पुल है, वहाँ पे ब्रिज है, मैं ना दो दो ब्रिज आते हैं जिस पे लोकल ट्रेनें यहाँ से मुंबई के लिए जाती हैं, तो ऐसी जगह के ऊपर अगर हमारे पास स्पीड बोट और फायर ब्रिगेड के लोग और गोताखोर तैयार नहीं है, तो मेरे ख्याल से महानगर पालिका का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। भाई साहब ब्रिज की भी हालत काफ़ी ख़राब है, पिछले साल भी एक डॉक्टर ने यहाँ से छलांग लगा दिया था, इस साल ये आया मामला, तो जिस तरह से डिवाइडर टूटे हैं शायद इसका पतरे का शेड लगाया जाए ताकि एक बराबर लेवल ऊंचाई रहे कि कोई इसमें से छलांग ना लगा सके, ऐसा यहाँ पर बंदोबस्त किया जा सकता है। देखिए ऐसा है कि ये ब्रिज की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से महानगर पालिका की है, शायद मैं आज ही गोस्वामी साहब से बात करता हूँ कि इसके ऊपर बंदोबस्त करो, नहीं तो ये चलते बिलते रात में भी अगर कोई इधर से निकला खुदा ना खास्ता तो पलटी होगा तो सीधे खाड़ी में जाएगा, तो ये बहुत डेंजर स्पॉट है। इस वक्त वो धोखादायक इमारत से ज़्यादा, महानगर पालिका के अधिकारियों के आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो धोखादायक इमारत से ज़्यादा धोखादायक ही है, इसको भी बचाइए। थैंक यू। तो आपने सुना कि सैयद अली अशरफ भाई साहब आज इस चूहा पुल पर आए थे क्योंकि तीन दिन से अरबाज का जो है कुछ पता नहीं चल रहा है और जिस तरह से उसे ढूंढने का काम किया जा रहा है, परिवार के लोग जो है तमाम आरोप लगा रहे हैं, जो लोग यहां पर आ रहे हैं वो भी लगातार देख रहे हैं कि हालांकि परिवार के लोग तलाश कर रहे हैं उसे, लेकिन जिस तरह से धुलमुल रवैया जो अपनाया जा रहा है उसे ढूंढने के लिए एक सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। और आपने सैयद अली अशरफ भाई साहब को भी सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब किस तरह से सर्च अभियान तेज किया जाता है या फिर इसी तरह से ये धुलमुल रवैया चलता रहेगा। कैमरामैन विजय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।